शुरुआत के दिनों में मैं एक पास्टर था और चर्च के अंदर मेरा काफ़ी रोल था कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता था और फेथ के द्वारा मैं सोशल सेवा करना चाहता था। उसी माध्यम के समय मैंने अपना करियर होटल इंडस्ट्री के लिए चुना। वहाँ का तजुर्बा लेते हुए मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया और मेरा खुद का केटरिंग कंपनी खड़ा किया, जहाँ पे मैंने अपने आप के लिए खूब नाम कमाया, शौहरत पाया और बड़े से बड़ा केटरिंग 14,000 लोगों को तक खाना खिलाया। उसी वक्त ऐसा एक दौर आया जब मुझे समझ में आया कि जब पूरी दुनिया अपने परिवारों के साथ टाइम गुजार रही है, मेरे पास तो वक्त ही नहीं था। नाम के लिए मैं बॉस था, क्वालिटी टाइम जिसको हम बोलते हैं, जिसके लिए सब मनुष्य भागते हैं, वो था ही नहीं। इनकम कॉम्पिटिशन के कारण पूरा टूट चुका था। कॉम्पिटिशन इतना हो चुका था मार्केट के अंदर कि मेरे पास आमदनी नहीं रहती थी, बचता ही नहीं था कुछ। और इतनी हालत ख़राब थी कि मैंने एक छोटा सा घर लिया था, उसका EMI भरने की भी मेरे पास हालत थी, पैसे नहीं थे। उसी दौरान मुझे एक दिन एक मेरे जो मित्र है उसका फ़ोन आया। वो फ़ोन मुझे काफ़ी दफ़ा कर चुके थे, मैंने एक दिन उसका फ़ोन उठा लिया और वो परेशानी के बीच में उसको हाँ बोला कि मैं आऊँगा और मिलूँगा। मैं पूरा उत्साहित हो गया, एक्साइटेड हो गया। मुझे समझ में आया कि मैं मेरे बिजनेस को करते, मेरे केटरिंग बिजनेस को एक साइड करते करते इस अपॉर्चुनिटी को भी साथ के द्वारा कर सकता हूँ। और मैंने जाके वो 2,000 जो खाली घर चलने का पैसा था वो लिया और मैंने निर्णय लिया कि मैं ये बिज़नेस करूँगा और इसमें मेरे सपनों को साकार करूँगा। तो मुझे लगा नहीं था उस टाइम ये बिज़नेस मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। वही महीने के अंदर मेरा पहला चेक आया। पहला चेक को देखे मेरी आँखें खुल गई एकदम, मैं शॉक हो गया कि ये क्या है। वो चेक 2.36 रुपये का चेक था और वो चेक को लेते हुए मैंने लक्ष्य लगाया, विजन लगाया और ये निर्णय ले लिया कि ये चेक को मुझे बड़ा करके देखना है। और मैंने इसमें मेहनत किया, लेकिन ये सब चीज़ के पीछे हमारी कंपनी के बेहतरीन प्रोडक्ट्स, जब उसका जो नंबर वन प्रोडक्ट जो हमारा एलोवेरा जेल है उसका लॉन्च हुआ, उस पहला बॉटल मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट था उस वक्त, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो 5 साल का था उसे दमा का चैलेंज था, वीजिंग प्रॉब्लम था, डॉक्टरों ने बोला था उसको पंप लगेगा लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि वो एलोवेरा जेल के अंदर ऐसी एक खूबियत थी जो उसके आस्मा या वीजिंग को हमेशा के लिए उसने मुक्त कर दिया। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो ही नहीं, जब मेरा दूसरा बेटा पैदा हुआ हमने उसको एलो बेबी के नाम से हमने उसको जाना, क्योंकि जब वो माँ के पेट में था उस वक्त से एलो खा रहा है और आज भी हमारे पूरे परिवार में उसका इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांगेस्ट है। और ये करते करते मेरा जो बिलीफ एकदम स्ट्रांग हो गया कंपनी के अंदर, कंपनी के सिस्टम के अंदर, कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंदर, और वही मुझे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया। और जितना हो सके मैं लोगों से बात करने लगा, इसके बारे में शेयर करने लगा। उसी वक्त मेरा परिचय एक डॉक्टर कपल से हुआ, शिलोंग से थे। मैं जब शिलोंग पहले दफ़ा गया उनके साथ बात किया, जो रिस्पांस वहाँ से आया, बिज़नेस का इतना बढ़ोतरी आया उस वक्त में कि वहाँ की जो टीम है इतने बढ़ने लगी, इतना सेल बढ़ने लगा कि कंपनी ने निर्णय लिया कि सेकेंड RDO शिलोंग में रहेगा। मेरी वाइफ जो शुरुआत में बिल्कुल नहीं चाहती थी मैं ऐसा बिज़नेस करूं, वो भी मेरे साथ कंपनी के अंदर फुल टाइम ट्रेनिंग करने लगी। तो हमारे अंदर वो आग लगी कि हमको काम करना है और करते करते हम सोरिंग मैनेजर बन गए। और इस दौरान हमने नाम तो कमाया, पैसा भी कमाया, लेकिन सबसे बड़ा जो मेरा एक सपना था दुनिया घूमने का, उसको भी पूरा होते हुए देखा। और फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप के अकेले के लिए नहीं, जो विश्वास करके गटे रहे उनके लाइफ के लिए। और इन प्रोडक्ट्स को मैंने अपने परिवार के लिए तो जरूर यूज़ ही किया, उसके अंदर का जो बेनिफिट्स जो आज मुझे आने लगा, उसने मुझे मेरा जो इनिशियल सपना जो एज ए पास्टर मुझे जो सेवा करने का जो दिल के अंदर इच्छा था उसमें उत्साहित किया। मैं एक ऐसे NGO के साथ जुड़ा था जहाँ पे काफ़ी लोग थे जो रेड लाइट एरिया से बचा के लाया जाते थे, जिनको ज़्यादातर एड्स का चैलेंज था या उनके इम्यून सिस्टम जो जहाँ पे ड्रॉप हो जाते थे वहाँ पे बच्चे थे। और यहाँ पे हमने हमारे बेहतरीन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स दिए और जिसके कारण जहाँ तक कि डॉक्टर ने बोला इनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ज़्यादा समय नहीं जी सकते हैं, उनको ये प्रोडक्ट्स देते हुए ट्रीटमेंट के साथ ही साथ
उनके लाइफ के अंदर हमने देखा कि कैसे इस प्रोडक्ट्स ने उनको अच्छा जीवन जीने का पावर दिया। ये एक अलग खुशी है जो हम शायद पैसा दे के नहीं कर सकते, लेकिन मैंने अपने प्रोडक्ट्स देख के लोगों की ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आते हुए देखा, क्योंकि यहाँ पे आप किसी की ज़िंदगी के अंदर किसी को फिर से जीने का उम्मीद दे रहे हैं। मैं ज़िंदगियाँ बदलने में विश्वास रखता हूँ। मैं हूँ फॉरएवर।